मैं चैनल आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिक बाउंड बेस्ड और टॉर्शन वाइब्रेशन से संबंधित न्यूमेरिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया है। अ शाफ्ट ऑफ 100 mm डायमीटर एंड 1 मीटर लॉन्ग हैज वन ऑफ इट्स एंड फिक्स्ड एंड द अदर एंड कैरीज अ डिस्क ऑफ मास 500 किलोग्राम। इट अ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 450 mm। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल इज 80 GN पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्शनल वाइब्रेशन। क्वेश्चन दिया हुआ एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर है 100 mm, उसकी लंबाई है 1 मीटर, एक साइड ऑफ फिक्स है और दूसरी साइड उसका डिस्क जो है मूव कर रहा है, जिसका मास दिया हुआ डिस्क का 500 kg। रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है 450 mm। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 80 GN पर मीटर स्क्वायर। सो हम इसमें सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी इक्वल टू 100 mm, जो कि कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में 0.1 मीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे। एल इक्वल टू लेंथ दिया है 1 मीटर, मास दिया हुआ है 500 kg और रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल टू दिया 450 mm, जिसको कन्वर्ट किया तो मीटर में तो 0.45 मीटर हो गया 1000 से डिवाइड करने पर। सी हो जाएगा दिया है 80 GN पर मीटर स्क्वायर, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 80 × 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको गिवन में दिया हुआ है। इसके बाद वी नो दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द शाफ्ट जो कि जे इक्वल टू फार्मूला होता है π/32 × d^4। π/32 × d डायमीटर कितना दिया 0.1, तो 0.1/4 इसको सॉल्व किया तो 9.82 × 10^-6 m^4 है मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट क्योंकि फार्मूला होता है q = c × j/l के बराबर। c हमको दिया है 80 × 10^9, 80 × 10^9 × j निकल आया 9.82 × 10^-6 अपॉन लेंथ दिया है 1 मीटर, तो 1 कर दिया। इसको सॉल्व किया तो 785.6 × 10^3 मीटर आ गया टॉर्शनल स्टिफनेस। इसके अलावा वी नो दैट मास मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द शाफ्ट जो कि I = फार्मूला है m × k² के बराबर। मास 500 kg है इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन 0.45 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 101.25 kg/m² हो जाएगा मास मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्शनल वाइब्रेशन फार्मूला होता है Fn = 1/2π √q/i। 1/2π³ जो कि 785.6 × 10^3 आए और अपन आई जो है वो 101.25 है, तो इसको जब सॉल्व किया दिया गया 14 Hz के बराबर। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ टॉर्शनल वाइब्रेशन आ गया 14 Hz के बराबर। इस तरीके से उसमें निकालते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ टॉर्शनल वाइब्रेशन।